संजय दुबे, हम हर रोज आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट बताते हैं। आयुर्वेदिक मेडिकेशन के जरिए हम आपकी सेहत की तमाम परेशानियों को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। आज भी संजीवनी की इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं आयुर्वेद के एक स्पेशल ट्रीटमेंट की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिरोधारा की। नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन शायद इसके फायदे से आप अनजान होंगे। तो अगर आप शिरोधारा ट्रीटमेंट की खूबियों को जानना चाहते हैं तो अगले आधे घंटे तक बन रहिए हमारे साथ। इसके अलावा संजीवनी टिप्स में हम आपको बताएंगे डिप्रेशन का आयुर्वेदिक इलाज क्या है। लेकिन पहले देख लेते हैं क्या होती है शिरोधारा ट्रीटमेंट। अनिद्रा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, घबराहट, सिरदर्द, माइग्रेन, नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी, आयुर्वेद का वरदान शिरोधारा। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिकेशन में शिरोधारा की क्या इम्पोर्टेंस होती है, और सीधे शब्दों में कह लें कि शिरोधारा क्या होती है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, शब्द से ही आपको अर्थ समझ आता है। शिरोधारा, शिरो कहते हैं सिर को, धारा मतलब धार। इसमें होता क्या है कि एक विशेष प्रकार की ये ट्रीटमेंट है जिसमें हमारे माथे के ऊपर या सिर के ऊपर एक स्ट्रीम ऑफ मेडिकेटेड प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है, वो तेल भी हो सकता है, कुछ कोई काढ़ा भी हो सकता है, वो एक धार हमारे माथे के ऊपर इसमें डलती है और उसके माध्यम से कई प्रकार की चिकित्सा, यानी कि जो आंतरिक हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो एक प्रकार की कोई विकृति आई है या हमारे नर्वस सिस्टम में कमजोरी आई है, उसमें इसका जो बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। शिरोधारा आज पूरे विश्व भर में बहुत पॉपुलर है क्योंकि आज के युग में मानसिक तनाव एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। शिरोधारा जो होती है वो तीन प्रकार की आयुर्वेद में लिखी गई है। एक तो तेल होता है, तेल से धार अगर डले तो उसको तेल धारा बोलते हैं। दूसरा तक्र धारा बोली जाती है, तक्र बोलते हैं मठा या छाछ को, तो छाछ उसमें थोड़ा कुछ और औषधि या दवा मिला करके उसकी जो धार डलती है उसको तक्र धारा बोलते हैं। और एक होती है क्षीर धारा बोलते हैं, क्षीर का मतलब दूध, यानी कि दूध से भी शिरोधारा की जा सकती है। डिपेंडिंग ऑन कि क्या प्रॉब्लम है आपकी और क्या आपका जो है उसमें मूल जो दोष है, कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है। अगर बहुत गर्मी हुई है, हीट बढ़ गई है आपके सिर के अंदर, तो आपने देखा होगा कि कई बार लोग कहते हैं मेरा सिर बहुत गर्म है, तो उसमें आपको कुछ ठंडी चीज आपके माथे पर डालनी पड़ती है जो कि हम तक्र धारा जिसको कहते हैं, उसमें कभी कभी आंवला मिला करके भी उसको बनाया जाता है या कुछ और ऐसे पदार्थ जो हमें ठंडक प्रदान करते हैं। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है और काफी इसके ऊपर आज रिसर्च भी हुई है। आज पूरे विश्व भर में शिरोधारा काफी पॉपुलर है। आपने देखा होगा जब भी कहीं आयुर्वेद का आप कोई देखते हैं, कोई फोटो देखते हैं, कोई वेबसाइट देखते हैं, तो वहां पर देखा होगा कि एक धारा माथे के ऊपर डल रही है, एक बर्तन होता है उसमें से एक धार जो है माथे के ऊपर डलती हुई दिखती है, उसी को शिरोधारा कहा जाता है। जरूर आपको इसका एक्सपीरियंस करना चाहिए, कराना चाहिए, आपको बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग आम तौर पर बहुत जो है तनाव में रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है और रोगों में भी फायदा करती है। किस किस रोग में ये फायदा करती है उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद हैं फरीदाबाद से। जी अरविंद, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, 3 वर्ष से ऐसा मन करता है कि सोते रहो और हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है। अच्छा, सुस्ती बनी रहती है। हाँ जी, सुस्ती बनी रहती है, मन करता है बस सोते रहो, कोई काम ना करो। अच्छा, पेट ठीक रहता है आपका? जी पेट ठीक नहीं रहता जी, पेट में गड़बड़ है। हाँ जी। मोशन कितनी बार जाते हैं दिन में? जी दिन में 3 बार, कभी 4 बार। देखिए, मैंने इसलिए पूछा कि अक्सर ये जो समस्या है, आपने बताया कि सुस्ती सी बने रहना, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होना, इसका एक मूल कारण होता है जब पेट में आपके आंव बनता हो। आंव बनेगा तो उससे क्या होगा कि वो आपका भोजन ठीक से जो है बॉडी में शक्ति नहीं देगा, आपको वीकनेस आएगी और साथ में जो है और कई हमारे शरीर में जो हमारी चैनल्स हैं एनर्जी को जो कैरी करती हैं, वो जो चैनल्स हैं उनमें ब्लॉकेज होता है। श्रोत अवरोध इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने पेट को ठीक करना पड़ेगा और पेट के लिए बहुत ही आवश्यक है कि पाचन अपना इम्प्रूव करें आप। खाना जब पूर्ण रूप से पचेगा, आपका पूरा भोजन जब डाइजेस्ट हो जाएगा, तभी आपको जो है आम नहीं बनेगा। तो उसके लिए
मैं आपको बताता हूँ कि दो तीन चीज आप घर पे भी बना सकते हैं, सौंफ, पुदीना और सौंठ, तीन चीजें ले लीजिए बराबर बराबर मात्रा में, उनको चूर्ण रूप में मिक्स करके एक मिक्सचर बना लीजिए और इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच आप भोजन के पश्चात गुनगुने पानी से लेंगे। छाछ बहुत फायदा करती है इसमें, मठा जो होता है वो आप जरूर पिए और उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा, थोड़ा हींग या नमक, काला नमक या सेंधा नमक डाल करके, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि रोग आपका काफी पुराना हो चुका है, काफी दिन से आप तकलीफ में हैं और ये जो आप जो लक्षण बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि पेट आपका काफी दिन से खराब है, तो उसके लिए हम आपको बार बार निवेदन करते हैं कि नुस्खे आप जरूर ट्राई करिए जो हम बताते हैं, लेकिन रोग की चिकित्सा जो है वो बहुत आवश्यक होती है। रोग को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए क्या करना होगा आपको, किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। आयुर्वेदिक दवाइयां कभी भी अपनी मर्जी से ना लें, ऐसा भी एक प्रचलन चल रहा है आजकल कि लोग अपनी मर्जी से कोई टेबलेट आयुर्वेदिक ले लेते हैं या आयुर्वेदिक दवाई, ऐसे नहीं लेना चाहिए। जैसे हम एलोपैथी में हमेशा ही डॉक्टर के परामर्श के बाद ही कोई दवाई लेते हैं, इसी प्रकार से आयुर्वेद का भी एक ये अपना एक नियम है, आयुर्वेद भी एक मेडिकल सिस्टम है जिसमें आप हमेशा डॉक्टर से पहले परामर्श करें, उसको बातचीत करें, कंसल्टेशन लें और वो जो बताए आपको वो दवाइयां आप लें और किस प्रकार से लें वो सब आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि किस चीज के साथ दवाई लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, उसका जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय हैं इंदौर से। जी संजय, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 32 वर्ष है जी और मेरा प्रश्न ये है, मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत है पिछले 2 साल से, मैं एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन कर रहा हूँ जी। तो मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि इसका आयुर्वेद में उपचार पूरी तरीके से है और दूसरा ये क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, आपके माध्यम से शायद बहुत सारे लोगों को मैं ये बता दूं कि ब्लड प्रेशर जो है आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें, इसको आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसमें कोई ना कोई दूसरा कॉज होता है जिसको कि हम वात भी कह सकते हैं, पित्त भी कह सकते हैं, कफ भी कह सकते हैं, थोड़ा सा आपकी भाषा में बोलें तो पेट में एसिडिटी के कारण, गर्मी के कारण कईयों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मानसिक तनाव की वजह से बढ़ता है और कहीं पर हमारे शरीर में कुछ ऐसे विषैले तत्व जैसे कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपको जो है डायबिटीज है उसकी वजह से हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हम लोग कारण को पकड़ के उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं और क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत कम है, 32 साल है तो अभी ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, तो मैं डेफिनेटली आपको राय दूंगा कि आयुर्वेद में जरूर आप आइए, आयुर्वेद को कोशिश करिए। एक छोटा सा नुस्खा भी आपको बता देता हूँ, हम पहले भी बताते हैं, जो प्याज होती है प्याज का रस निकालिए 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए, सुबह शाम दोनों टाइम इसको सेवन करिए। लेकिन कारण को समझना बहुत जरूरी है, क्या वजह हो सकती है ब्लड प्रेशर की, उसको जरूर आपको समझना है और उसको अलग हटाने की कोशिश आपको करनी है। मान लो मानसिक तनाव रहता है तो मानसिक तनाव को मैनेज करना पड़ेगा, मान लो आपको पित्त ज्यादा है, हीट ज्यादा है, एसिडिटी है तो एसिडिटी को कम करना पड़ेगा। केवल एक ब्लड प्रेशर की गोली लेना वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए ठीक है, लेकिन उसको परमानेंटली अगर ठीक करना चाहते हैं आप तो उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा, उसकी जड़ में जाना पड़ेगा और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आयुर्वेद में। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं आते, काफी लोग आयुर्वेद में आते हैं, दवाई लेते हैं, कई बार मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सा अगर व्यायाम करना शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करना करें, खाने पर थोड़ा कंट्रोल करें, उसी से ब्लड प्रेशर उनका काफी कंट्रोल हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अभी से अगर आप दवाई के निर्भर रहेंगे तो फिर जिंदगी बहुत लंबी है और आगे चलकर आपको मालूम है कि ज्यादा दवाई अगर आप खाएंगे तो उनके दुष्प्रभाव भी होते हैं, उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, कुछ और बीमारियां भी आपके शरीर में हो सकती हैं। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब डॉक्टर साहब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि शिरोधारा से हेल्थ की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, साथ ही ये भी बताएं कि इसका मेडिकेशन दूसरे मेडिकेशन के तरीकों की तुलना में कितना असरदार हो सकता है। देखिए बहुत सारी बीमारियों में काम करता है, जैसे इंसोम्निया, अनिद्रा जिन लोगों को हो, मानसिक विकार खासतौर पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इवन जो डिफिकल्ट डिजीज है, बाइपोलर डिजीज है, स्किज़ोफ्रेनिया है या किसी प्रकार का मानसिक तनाव आपको रहता है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। इसके साथ साथ सिरदर्द लोगों को होता है, माइग्रेन होता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभार हम लोग जो साइनोसाइटिस वाले पेशेंट्स हैं उनमें भी इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है रोग हमारे मस्तिष्क में कहीं पर किसी प्रकार की कमजोरी हो, नर्वस सिस्टम में वीकनेस हो,
उसमें शिरोधारा बहुत अच्छा काम करता है, या फिर जो है हम इसको नॉर्मली एक रिलैक्सेशन या रिजुविनेशन के तौर पर भी इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। या आपको बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करना पड़ता है, आप एक ऐसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं जहाँ के स्वाभाविक रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा तनाव रहता है, आप कहीं मैनेजर हैं या बड़ी पोस्ट पर हैं, काफ़ी काम आपको संभालना पड़ता है, तो आपको शिरोधारा अवश्य करानी चाहिए। और दूसरा प्रश्न आपका कि दूसरी जो ट्रीटमेंट है उनसे कैसे ये विभिन्न है, कैसे डिफरेंट है। दूसरी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो मान लो आपको नींद नहीं आती है तो आप कोई गोली लेंगे नींद की, तो गोली आपको रोज ही लेनी पड़ेगी नहीं तो नींद नहीं आएगी। ये जो शिरोधारा है ये उस रूट कॉज पर जाके काम करती है, यानी कि मस्तिष्क में वात का प्रकोप हुआ, आपका माइंड बहुत तेजी से चलता है, गति से चलता है, जब आप सोने जाते हैं तो माइंड रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें विचार आते रहते हैं, तो उस वात को शांत करने के लिए शिरोधारा बहुत फायदा करती है और वो परमानेंट आपका रिलीफ है। तो डिफरेंस क्या हुआ कि शिरोधारा आपको रोग से परमानेंट एक सॉल्यूशन प्रदान करती है, परमानेंट छुटकारा रोग से दिलाती है एज कम्पेयर टू अदर ट्रीटमेंट्स। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुजीत है फरीदाबाद से। जी सुजीत, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी जी, मेरी उम्र अभी 32 साल है। मैं अभी, मेरी जो मेन समस्या क्या है, एक तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है और दूसरी चीज सिर दर्द तो साथ में रहता ही रहता है, इन दोनों चीजों का एक साथ कोई आप निराकरण बताएंगे? देखिए, सिर दर्द तो आमतौर पर ब्लड प्रेशर के साथ भी कनेक्टेड रहता है, और दूसरा अगर कुछ इसका कारण होगा सिर दर्द का तो उसका भी बिल्कुल जो समाधान हो जाएगा। आयुर्वेद में हमें जरूरी है कि एक चीज को पहले समझने की कोशिश करें कि क्यों आपको सिर दर्द होता है, क्यों ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा एक नुस्खा इसका बताता हूँ कि अगर आप रात को सोने से पहले नाक में बादाम का तेल डालें, 4-5 बूंद दोनों नासिकाओं में आप बादाम का तेल डालें, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, सिर दर्द में भी रिलीफ मिलेगा, आपको ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा कम रहेगा। डीप ब्रीदिंग आप जरूर करें, गहरी सांसें लें, शवासन करें, प्राणायाम करें, और सैर जरूर करना है आपको रेगुलर, जो है सुबह के समय आप कम से कम आधा पौना घंटा वॉक पर जरूर जाएं, सैर पर जाएं, इससे भी आपको काफी फायदा। पर चलिए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैसे, कब और क्यों कराएं आप शिरोधारा ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर साहब, देखिए शिरोधारा जैसे मैंने कहा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल नींद नहीं आती है, आपको अनिद्रा है, इंसोम्निया आपको रहता है, तो आप शिरोधारा जरूर कराएं, बहुत फायदा मिलेगा आपको। कम से कम अगर 5 दिन लगातार कराएंगे, एक दिन से फायदा उतना नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम 5-6 दिन लगातार उसको कराएं तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। कहाँ कराएं? आयुर्वेदिक सेंटर में ही जाके कराएं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के अंडर में कराएं, ये बहुत जरूरी है। आजकल जगह जगह शिरोधारा खुल गया है, आप कहीं होटल में जाएंगे वहां भी शिरोधारा हो रहा है आपका। लेकिन अगर आपको रोग है और रोग से मुक्ति आप चाहते हैं तो डेफिनेटली एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श के बिना आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए। और आप चाहें तो हमारे यहाँ जीवा में हमारी फैसिलिटी है, वहाँ आकर रह भी सकते हैं, वहाँ आकर के आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको सिर में बहुत खुजली होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मुझे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, खारिश होती है, सिर गर्म रहता है मेरा, बिल्कुल जैसे आग लग रही है सिर में, उसके लिए तक्रधारा कराई है, बहुत फायदा करती है। छाछ बनाते हैं, उसमें आंवले का चूर्ण भी मिलाते हैं, और उस छाछ से आपको तक्रधारा, तक्र यानी के छाछ, उससे धारा की जाती है शिरोधारा, वो बहुत बढ़िया है। कूलिंग, जिन लोगों को खास तौर से बहुत गर्मी रहती है, हीट रहती है, गुस्सा करते हैं बहुत ज्यादा, उनका माइंड जो है वो एकदम से जो है एक्साइटेड रहता है, उसके लिए तक्रधारा बहुत फायदेमंद है। अगेन डॉक्टर की सुपरविजन में ही करनी चाहिए, डॉक्टर से बातचीत करके करनी चाहिए। और अगर आपको मानसिक तनाव रहता है, बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, तो पहले थोड़ा सा सिर में मालिश करके उसके पश्चात आप शिरोधारा कराएं, बहुत फायदा मिलेगा। आपको किसी प्रकार का मानसिक रोग है, मानसिक दौर्बल्य है, आपका नर्वस सिस्टम कमजोर है, आपका ब्रेन जो है वो ठीक नहीं है, उसमें केमिकल चेंजेस आ गए हैं, उसके लिए क्षीर धारा करा सकते हैं आप। दूध की धारा जो होती है वो बहुत फायदा करती है, नरिशमेंट उससे होता है, या क्षीर वाला तेल एक होता है आयुर्वेद में, उससे धारा की जाती है। और इसी प्रकार से साइनोसाइटिस का मैंने जिक्र किया था, तो उसमें कई बार हम नस्य भी करते हैं, नाक में कुछ तेल वगैरह डालते हैं और सिर पर भी शिरोधारा करते हैं, क्योंकि कभी कभार साइनोसाइटिस की वजह से सिर में दर्द या सिर में भी जो है प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की चिकित्साएं हैं जिनको कि आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको केवल एक एक्सपेरिमेंट करना है कि भाई मुझे देखना है कि क्या होता है इससे, तो वो एक रिलैक्सेशन की बात अलग है। लेकिन अगर आपको कोई भी रोग है,
और उसमें आप शिरोधारा एज ए ट्रीटमेंट उसको आप कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा आपको आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर में ही उसको करना चाहिए।